लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर के जाने से पूरा बॉलीवुड गम में डूबा है। जिस एक्टर ने उनके साथ काम किया और जिसने नहीं भी किया, हर कोई उनकी डेथ की न्यूज सुनकर बेहद इमोशनल है। और इसी बीच एक्टर संजय दत्त ने भी ऋषि कपूर को ट्रिब्यूट देते हुए उनके लिए एक बेहद इमोशनल और स्पेशल मैसेज शेयर किया है। अपने ट्विटर पर संजू ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है, देखिए आई विल मिस यू चिंटू सर। और इसी के साथ देखिए संजू का ये इमोशनल पोस्ट। डियर चिंटू सर, यू हैव ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ एंड करियर। You have taught me to live life to the fullest and to face life even when I was going through my low days. I had the honor to work with you in many films where you always guided me. Your fight against cancer has been long, but you never made me feel once that you were suffering even when I spoke to you in New York. Even at the time you were so full of life. The last I met you at home at a few months back for dinner, you were still so concerned about me. You have always cared for me. Today, the saddest day for me because I have lost a family member, a friend, a brother, and a person who showed me to live life with a smile no matter what. I will miss you, Chintu sir. May God always bless you and may you always be happy in heaven. I love you, Chintu sir. Always will. आपको बता दें कि संजय दत्त और ऋषि कपूर एक दूसरे के साथ बेहद ही खास रिश्ता शेयर करते थे। इन दोनों ने साथ में साहिबान, हथियार और अग्निपथ जैसी फिल्मों में काम किया था। और अगर आपको याद हो तो ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर ने संजय दत्त की लाइफ पर बनी फिल्म संजू में भी काम किया था। लिहाजा कपूर खानदान से संजय का रिश्ता बेहद खास था। और इसी के साथ आपको हम ऋषि कपूर और संजय दत्त का एक पुराना किस्सा भी सुनाते हैं। ऋषि कपूर रणबीर कपूर से बहुत प्यार करते थे और कम लोग ही जानते थे कि एक बार उन्होंने रणबीर के चलते संजय दत्त को डांट लगा दी थी। दरअसल कम लोग ही जानते थे कि संजय दत्त और रणबीर कपूर की ट्यूनिंग बहुत पुरानी रही है। रणबीर बचपन से ही संजय दत्त को अपना आइडल मानते थे और डीएनए से बातचीत में रणबीर कपूर ने इस बारे में खुलासा करते हुए भी बताया था। उन्होंने बताया, मैंने उन्हें पहली बार कश्मीर में देखा था, वो पापा के साथ साहिबा की शूटिंग कर रहे थे। रणबीर ने इस दौरान ये भी बताया था कि संजय दत्त की इमेज से वो काफी इंस्पायर थे। उनके जहन में संजय दत्त की पहली इमेज ऐसी थी कि एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके लंबे बाल थे और उसने कानों में इयररिंग्स पहन रखे थे। रणबीर ने ये भी बताया था कि उनकी फैमिली उनके बहुत करीब थी और संजय उन्हें छोटे भाई की तरह मानते थे। रणबीर ने ये भी बताया था, उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पर हार्ले डेविडसन मोटरबाइक दी थी। वो मुझे देर रात अपनी फरारी में घुमाने ले जाया करते थे। पर्दे पर उनका किरदार निभाकर लगता है कि जैसे जिंदगी ने अपना एक क्रम पूरा कर लिया। इस दौरान रणबीर ने ये भी बताया कि जब ऋषि कपूर को पता चला कि संजय दत्त ने उन्हें हार्ले डेविडसन तोहफे में दी है तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने संजय दत्त को बुलाया और कहा, मेरे बेटे को बिगाड़ना बंद करो, इसको तेरे जैसा मत बना। अब आप समझ ही सकते हैं कि संजय दत्त और ऋषि कपूर का रिश्ता कितना खास था। और जैसे कि संजय ने अपने पोस्ट में भी जिक्र किया, उनके मुश्किल समय में भी ऋषि कपूर ने उनका एक दोस्त एक भाई की तरह हमेशा साथ दिया। जाहिर है कि ऋषि के जाने से संजय दत्त की आंखें भी आज नम हैं, क्योंकि अब संजय दत्त कभी अपने इस दोस्त से नहीं मिल पाएंगे।